हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अमेज़न की केवाईसी हम किस तरह से कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। तो आज की इस वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हमें अपने अमेज़न ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें थ्री लाइन पर क्लिक करके अमेज़न पे बटन पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है केवाईसी का। केवाईसी ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कंप्लीट फुल केवाईसी टू कंटिन्यू लोडिंग अमेज़न पे बैलेंस। पहले स्टेप में हमें सबसे पहले एड्रेस प्रूफ की फोटो हमें यहाँ पर अपलोड करनी है और पैन कार्ड की फोटो हमें यहाँ पर अपलोड करनी है। अब यहाँ पर हमें अपलोड नाउ बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपनी फोटो सेल्फी खींच लेनी है। हमें यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें टेक सेल्फी कर लेनी है। यहाँ पर सबसे पहले हम अपने फ्रंट कैमरे से एक सेल्फी क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फोटो अपलोड कर ली है। अब यहाँ पर दूसरे स्टेप में हमें एड्रेस प्रूफ ऐड कर देना है। यहाँ पर हम वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और नरेगा जॉब कार्ड में हम कोई भी आईडी प्रूफ हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं वोटर कार्ड और यहाँ पर हमें कर देना है टेक फोटो। इस बटन पर क्लिक करने के बाद ये कह रहे हैं फ्रंट इमेज या फिर बैक इमेज। हमें यहाँ पर बैक इमेज पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा बैक कैमरा ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम सबसे पहले अपने वोटर कार्ड की इमेज क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें ओके बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैक इमेज 50% अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं फ्रंट इमेज, यहाँ पर हमें एक बार फ्रंट इमेज भी ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक इमेज अपलोड कर ली है। अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद तीसरे स्टेप में हमें ऐड करना है अपना पैन कार्ड। तो चलिए यहाँ पर हम पैन कार्ड पर क्लिक कर लेते हैं, ऐड बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम टेक फोटो पर क्लिक करके इसका एक फोटो क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें ओके बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये कह रहे हैं फ्रंट इमेज 50% अपलोडेड। अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हमने तीनों स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक बटन हमें मिल जाता है चेक बॉक्स, हमें यहाँ पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो अब यहाँ पर हमारे सारे आईडी प्रूफ यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें अपॉइंटमेंट ऐड कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है शेड्यूल अपॉइंटमेंट, हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें फिर से शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे अकाउंट का सेव एड्रेस निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर हमें कर देना है यूज दिस एड्रेस। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं सेलेक्ट अ डेट, आप किस डेट में अमेज़न एजेंट को बुलाना चाहते हैं। आज है 10 तारीख और मिनिमम जो डेट है वो है 16। यहाँ पर 16 तारीख को अमेज़न का एजेंट आएगा। यहाँ पर हम 16 पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं सेलेक्ट अ टाइम स्लॉट, हमें यहाँ पर टाइम ऐड कर लेना है 1 से 2 या 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 या 6 से 7 या फिर 7 से 8। यहाँ पर हम टाइम ऐड कर लेते हैं शाम के 6 से 7 बजे और यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है कंटिन्यू बटन पर। अब यहाँ पर हमें कर देना है प्लेस योर ऑर्डर। इस बटन पर क्लिक करने के बाद ये कह रहे हैं थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। यहाँ पर शॉपिंग वॉपिंग हमने कुछ नहीं की है। यहाँ पर जैसे कि हम कोई सामान परचेस करते हैं वैसे ही हम इस शेड्यूल अपॉइंटमेंट सेट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही है। तो अब जो हमारी केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे शेड्यूल टाइम पर अमेज़न का एजेंट आएगा और वो हमारी अमेज़न केवाईसी कर देगा। जो फोटो हमने अपलोड किए हैं आईडी प्रूफ के, वो आईडी प्रूफ वो स्कैन करेंगे और हमारी अमेज़न की फुल केवाईसी वो अमेज़न के एजेंट पूरी कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल बटन पर जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।